किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप किसी कार्य में असफल नहीं हो रहे हो तो आपसे नई चीजों को आविष्कार नहीं कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसे उपकरण के बारे में जो आज के व्यस्त जीवन में हम अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के नजदीक न जाकर भी उनसे जुड़ सकते हैं, यौम उनसे बातचीत कर सकते हैं और तो और एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस उपकरण की बात कर रहा हूं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं इस उपकरण यानी कि मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने और कब किया था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मोबाइल फोन के माध्यम से न केवल हम दोस्तों एवं रिश्तेदारों का हालचाल जानते हैं बल्कि अपने ऑफिस से संबंधित सभी काम भी करते हैं। 21वीं सदी में तकनीकी इतनी विकसित हो गई है कि हम मोबाइल की मदद से न केवल बातचीत करते हैं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जीमेल आदि से अपने दोस्तों एवं अपने ऑफिस से भी जुड़े रहते हैं। दुनिया के पहले मोबाइल फोन का निर्माण मार्टिन कूपर नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था, जिसे उन्होंने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। यह विश्व का पहला फोन था जो कि आम लोगों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले फोन और वायरलेस फोन भी उपलब्ध थे लेकिन इसका अधिकतर इस्तेमाल फौज द्वारा किया जाता था। मार्टिन कूपर ने मैनहट्टन में स्थित अपने ऑफिस से न्यू जर्सी में स्थित बेल लैब्स के मुख्यालय में पहला कॉल किया था इस फोन से। मार्टिन कूपर ने आज के समय की अग्रणी मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर इस मोबाइल फोन का निर्माण किया था। बाद में वह इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भी बने। मार्टिन कूपर को दुनिया के पहले मोबाइल फोन के निर्माण के कारण साल 2013 में संचार के क्षेत्र में किए गए विलक्षण कार्य के लिए दिए जाने वाले मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया की पहली कमर्शियल सेलुलर फोन सेवा 1979 में एनटीटी नामक जापानी कंपनी ने टोक्यो में शुरू की थी। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में मोबाइल फोन सेवाएं शुरू हुई थी जिनका नाम नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन था। 1983 में अमेरिका के शिकागो शहर में अमेरिटेक नाम से एक जी टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली मोबाइल फोन सेवा 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में गैर व्यावसायिक तौर पर शुरू की गई थी। मोबाइल फोन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम जान लेते हैं कि और क्या-क्या चीजें हैं मोबाइल से रिलेटेड। आज भले ही हल्के और स्लिम फोन आ गए हैं लेकिन जिस मोबाइल से पहली कॉल की गई थी उसका वजन 1.1 किलोग्राम था। साथ ही यह मोबाइल 13 सेमी मोटा और 4.45 सेमी चौड़ा था जिसकी तुलना ईंट या जूते से की जाती थी। जहां आज के मोबाइल को चार्ज होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है और इसकी बैकअप क्षमता 1 से 2 दिन होती है, लेकिन दुनिया के पहले मोबाइल को पूरी तरह से चार्ज होने में 10 घंटे का समय लगता था जिसके बावजूद यह सिर्फ 20 मिनट तक ही चल पाता था। पहले मोबाइल फोन की बैटरी का वजन आज की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा था।
1983 में मोटोरोला ने जिस पहले मोबाइल हैंडसेट को बाजार में उतारा था उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। इस मोबाइल हैंडसेट का नाम डायना टीएसी 800X था। उन्नीस सौ उन्यासी में फर्स्ट जनरेशन यानी 1G टेक्नोलॉजी की शुरुआत जापान से हुई थी, जिसकी मदद से एक बार में कई लोग आपस में कॉल कर सकते थे। उसके बाद 1991 में 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, फिनलैंड में हुई थी, और 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत पूरे 10 साल के बाद 2001 में 3G टेक्नोलॉजी आया, जिसे जापान की कंपनी एनटीटी डोकोमो ने शुरू किया था। 4G तकनीक की शुरुआत साल 2007 में हुई। हम भारतीय मोबाइल तकनीकी के 4th जनरेशन में जी रहे हैं। और अब दौर आने वाला है 5G का। केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी कंपनियों को 5G ट्रायल की अनुमति दे दी है और चालू भी हो गया है। दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण कोरिया के टेलीकॉम ऑपरेटरों ने सबसे पहले अप्रैल 2019 में 5G नेटवर्क का लॉन्च कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको मोबाइल के बारे में बेहतरीन जानकारी दी, और ऐसी ही जानकारियां हम आपको लेकर के आते रहेंगे, रोचक जानकारियां। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई रोचक जानकारियाँ प्रत्येक सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।